एक चिड़िया की तीन बातें याद कर लो, मुसीबतों से बचे रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि बस वीडियो को पूरा अवश्य देख लें। माह का महीना था, भयंकर ठंड पड़ रही थी, आसमान में काले काले बादल गड़गड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ओलों के साथ बरसात होने वाली है। सूर्यास्त हो चुका था। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवा बैठे हुए थे। उसी पेड़ पर थोड़ी देर के बाद एक चिड़िया आई। सोचा, मौसम बहुत खराब हो रहा है, इसलिए आज की रात इसी पेड़ की एक डाल पर बैठकर बिता लूंगी। सुबह होते ही मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। यही सोचकर वो नीम की एक छोटी सी डाल पर बैठ गई। चिड़िया को अकेला नीम की डाल पर बैठा देख सारे कौवे उसकी ओर देखकर घूरने लगे। कौओं को अपनी ओर घूरता देखकर बेचारी चिड़िया डर के मारे सहम गई। वो डरते हुए कौओं से बोली, भाइयों, मौसम खराब होने की वजह से मैं रहा भटक गई हूँ। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय भयंकर बरसात हो सकती है। मैं ऐसे में कहाँ जाऊंगी? आज रात भर मुझे यहीं पर ठहर लेने दो, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ, मुझे दुखिया की सहायता करो। मित्रों, उस छोटी चिड़िया को गिड़गिड़ाता देख कौओं को उस पर तरस नहीं आया। सब एक स्वर में कहने लगे, ये नहीं हो सकता, ये पेड़ हमारा है, बरसों से हम कौए इस पेड़ पर रहते आए हैं, कोई बाहरी व्यक्ति हमारे बीच नहीं रह सकता, चलो भागो यहां से। कौओं की बात सुनकर चिड़िया घबरा गई। दुखी होते हुए कहने लगी, भाइयों, आप किस अधिकार से मुझे यहां से भगा रहे हो? पेड़ तो भगवान के हैं, भगवान ने हम सबको ये पेड़ इस्तेमाल के लिए दिए हैं। इन पेड़ों पर सभी पक्षियों का समान अधिकार है। अब इतनी रात गए, मैं जाऊंगी भी तो कहां जाऊंगी? बरसात होने लगे या ओले पड़ने लगे तो ऐसे में तो भगवान ही सबकी रक्षा कर सकता है। मैं बहुत छोटी सी चिड़िया हूं, मुझ पर दया करके मुझे आज की रात बिता लेने दो। चिड़िया की बार बार आग्रह करने पर भी कौओं का हृदय नहीं पसीजा। उल्टा वे चिड़िया पर हंसते हुए बोले, तुम बहुत भगवान भगवान चिल्ला रही हो, इतना ही भरोसा है तुम्हें अपने भगवान पर तो यहां से जाती क्यों नहीं? तुझे तो तेरा भगवान बचा ही लेगा। हमारे पेड़ पर क्या करने आई है? यदि अतिशीघ्र तू यहां से नहीं गई तो हम सब तुझे मारकर यहां से भगा देंगे। इतना कहकर सारे कौवे उस छोटी सी चिड़िया को मारने के लिए दौड़े। सारे कौओं को कांव कांव करते हुए अपनी ओर आते देखा तो बेचारी लाचार चिड़िया को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। रात्रि में जाकर डरी सहमी वो एक आम के वृक्ष पर जाकर बैठ गई। अब रात्रि में भयंकर आंधी के साथ बरसात होने लगी, ओले पड़ने लगे। ओलों की मार से घायल होकर सारे कौवे जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे तो मर भी गए। उधर वो चिड़िया जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक मोटी सी डाल आंधी में टूटकर नीचे गिर गई। टूटी हुई डाल में कुछ खोखला सा बन गया था, क्योंकि वो डाल अंदर से खोखली थी। अब तो चिड़िया उस टूटी हुई डाल के खोखले में जाकर बैठ गई। वहां ना तो उसे हवा लगी और ना ही ओलों से उसे कोई हानि हुई। पूरी रात चिड़िया आनंद से उस खोखले में बैठी रही। सवेरा होते ही चिड़िया खोखले से निकलकर बाहर आई। उसने देखा कि उसी नीम के पेड़ के नीचे बहुत से कौवे मरे पड़े थे और बहुत से घायल अवस्था में पीड़ा से कराह रहे थे। नीम का पेड़ भी आंधी के कारण टूटकर उखड़ा पड़ा था। चिड़िया को एकदम सुरक्षित और हंसते मुस्कुराते देखकर घायल कौओं ने पूछा, अरे बहन, तुम रात में कहां ठहरी थी? तुम पर तो ओलों का कोई असर नहीं पड़ा, तुम्हें किसने बचाया? चिड़िया बोली, भाइयों, यहां से जाने के बाद मैं एक आम के वृक्ष के खोखले में जाकर बैठ गई और सारी रात भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे ईश्वर, दुखी और असहाय लोगों की हमेशा रक्षा करना। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली और भयंकर ओलों की मार से मेरी रक्षा की। आज मेरी श्रद्धा ईश्वर के प्रति और भी बढ़ गई है और मुझे विश्वास हो गया है कि जो भी भगवान पर विश्वास करता है, भगवान उसे कभी मुसीबत में नहीं पड़ने देते। और आज तुम सबको देखकर यह भी जान गई हूं कि जो लोग शरण में आए हुए किसी दुखी असहाय प्राणी को दुत्कार देते हैं, उसे अपमानित करते हैं और उसे अकेला जानकर उस पर रौब झाड़ते हैं, तो उन्हें भगवान दंडित अवश्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग भगवान की संपदा को अपना मानकर
उस पर अपना अधिकार थोपते हैं, उसे किसी और को नहीं भोगने देते, भगवान उनसे अतिशीघ्र वो वस्तु छीन लेते हैं। इसीलिए ईश्वर की दी हुई चीजों पर अपना अधिकार कर लेना ठीक नहीं है। सोचो, प्राणी जब दुनिया में आता है तो कुछ भी साथ नहीं लाता, उसके आने से पहले ही भगवान सारी चीजों की व्यवस्था कर देते हैं। अब उनको अपना मान लेना, उन पर घमंड करना हम सबकी मूर्खता नहीं तो क्या है? भगवान के द्वारा दी गई उपभोग की चीजों पर हम ईर्ष्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। विद्वान लोगों ने कहा है कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, शक्तिविहीन और दूसरे के भाग पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये छह प्रकार के लोग सदा दुखी रहते हैं। चिड़िया बोली है, कहो, जो लोग अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, जो व्यक्ति बहुत अधिक काम करके थोड़ा सोता है, और जो मित्र नहीं है फिर भी मांगने पर उन्हें धन देता है और उनकी सहायता करता है, ऐसे लोगों के सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ जाते हैं। कहते हैं, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ मधुरता का बर्ताव एक जैसे बताए गए हैं। मित्रों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।